बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शोरबे वाला गोश्त बना रही हूँ, जिसके लिए मैं एक किलो मटन ले लूँगी और इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल डालेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें एक टीस्पून ज़ीरा, चार अदद इलायची, चार पांच हरी मिर्चें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक और एक एक स्पून धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा भी देंगे। अब इसमें एक अदद प्याज कटी हुई और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे। मसाला भुन जाने के बाद तीन अदद टमाटर कटे हुए डालेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह गला लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो चार चम्मच दही और चार चम्मच दूध मिक्स करके इसमें डाल देंगे। इसको भी पकाते पकाते खुश्क कर लेंगे। ये बहुत अच्छी ग्रेवी और स्मूथ टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। टमाटर और दही की खटास को बैलेंस रखने के लिए दूध डाला जाता है और इससे बहुत ही स्मूथ ग्रेवी तैयार होती है। इसको अच्छी तरह भूनकर अब मैं एक किलो मटन डाल दूंगी, जो कि हड्डी के साथ है। इसे अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। इस दौरान हमें एक अदद उबला हुआ आलू भी चाहिए। इसको हम मैश करके अपनी हांडी में डालेंगे और ये उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू ग्रेवी को थिक करने के काम आता है। अगर आप शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ये ज़रूर डालें, इससे मज़ेदार शोरबा तैयार होगा। इस आलू के साथ गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। जब गोश्त में से ऑयल अलग होने लगे तो अब इसमें पानी डालेंगे। तो 2 गिलास भरकर मैं इसमें पानी डालूंगी, या जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना पानी डालें। फिर हम कुकर को प्रेशर लगा देंगे और ये प्रेशर 25 मिनट के लिए लगाएंगे। 25 मिनट में गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और 25 मिनट के बाद देखते हैं कि गोश्त किस हद तक गल गया है और इसकी ग्रेवी कितनी ठीक है। उसके मुताबिक हम इसको मज़ीद कुछ देर पका लेंगे और थोड़ा सा आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। थोड़ी देर इसको पका लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल देंगे और इस तरीके से हमारा मज़ेदार शोरबे वाला गोश्त तैयार हो जाएगा। योगे और मज़ेदार सा शोरबे वाला गोश्त अब मैं डिश आउट करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो थम्स अप करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको पुश करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर पुश करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले।